तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिस ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसको ज़रूर देखा होगा। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था गिटहब को, कि ये गिटहब क्या है, गिटहब रेपोजिटरीज क्या है, गिटहब के ऊपर कैसे अकाउंट बनाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग सीखेंगे कि जो गिटहब के अंदर रेपोजिटरीज होती है ना, वैसे आप लोग भी आने वाले टाइम में खुद की अपनी रिपोजिटरीज बनाओगे, बट आज के टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरों की रिपोजिटरीज को दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन रिपोजिटरीज का इंटरफेस कैसे होता है। इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे हैं, कौन से ऑप्शंस आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होंगे, कौन से ऑप्शंस आप लोगों को इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग भाई बहुत सारी रिपोजिटरीज का यूज़ करने वाले हो, क्योंकि मान लेते हैं कि आप लोगों को कोई भी टूल चाहिए हो, लिटरली कोई भी टूल चाहिए हो, हो सकता है किसी ना किसी ने टर्मेक्स के लिए वो टूल बना करके अपनी रिपोजिटरी के अंदर रखा हो। तो आप लोग सिंपल से क्या करोगे, दूसरे की रिपोजिटरी पे जाओगे और वहां से वो टूल इंस्टॉल कर लोगे बहुत ही आराम से। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिपोजिटरी का सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको क्या करना है, सिंपल से अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे आना है, वहां पे सर्च करना है टर्मेक्स ऑल गिटहब रेपो। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे ना, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आप लोगों को कौन से सर्च रिजल्ट को ओपन करना है, जिनके आगे गिटहब टॉपिक लिखा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक रिपोजिटरी के ऊपर जाना है और उसको ओपन करना है और उसका इंटरफेस देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने वैसे काफ़ी सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे ओपन करके रखी हैं। अलग अलग लोगों ने इन रिपोजिटरी को बनाया है, इन रिपोजिटरी के अंदर अलग अलग टूल्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इन्हीं रिपोजिटरी को देखेंगे और फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। क्या टेस्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ रिपोजिटरी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी आप लोग कोई भी रिपोजिटरी ओपन करते हो, कोई भी रिपोजिटरी ओपन करते हो, सबसे ऊपर उस बंदे का नाम आता है जिसकी ये रिपोजिटरी है, ठीक है। जिसने ये रिपोजिटरी बनाई है उसका यहाँ पे नाम आता है और ये होता है रिपोजिटरी का नाम, ठीक है। जो भी नाम उसने रिपोजिटरी का लिखा है ये वहाँ पे नाम आता है, प्लस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाइसेंस है। ये जो लाइसेंस होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग खुद की रेपो बनाओगे या किसी की रेपो से कोई भी सामान कॉपी वगैरह करोगे, तो ये लाइसेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टार्स मिले, स्टार्स का मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि कितनी अच्छी ये रिपोजिटरी है, ठीक है। मतलब कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, लाइक वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो फोक है, फोर्क या फिर फोक जो भी है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब कितने लोगों ने इस रेपो को कॉपी किया है, मतलब कॉपी करके इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ब्रांचेस आपके काम के अभी नहीं है, क्योंकि बेसिक में ब्रांचेस आप लोगों के लिए अभी नहीं है। जब हम लोग ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे आगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं, तब हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। अभी ब्रांचेस हटा दीजिए, टैग्स हटा दीजिए, एक्टिविटी हटा दीजिए, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, ठीक है। स्टार नोटिफिकेशन ये सब हटा दीजिए। अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पे ये व्यू फाइल्स लिखा है ना, व्यू ऑल फाइल्स, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी टूल टर्मेक्स का डाउनलोड करोगे गिटहब रेपो से, ठीक है, वैसे गिटहब रेपो के ऊपर टर्मेक्स के टूल, पीसी के सॉफ्टवेयर और न जाने क्या क्या चीज़ें ही मिलती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे सारी फाइल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे इस रेपो की लिंक मिल जाएगी। ये वही लिंक है जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सारी फाइल्स को, क्लोन कर सकते हो, अभी हम लोग आगे सीखेंगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो लिंक मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेन है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांच, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रांच के बारे में अभी बेसिक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ब्रांच के बारे में भी आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, मतलब आपकी जो फाइल्स हैं उनको अपलोड करना और भी दूसरी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें एक बिगिनर के लिए उतनी यूज़फुल नहीं होने वाली हैं अभी के टाइम में, ठीक है, तो इनको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। चलिए, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इस जगह पे जहाँ पे ये व्यू ऑल फाइल्स लिखा होता है, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स इनकी रेपो में हैं, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया, उस सॉफ्टवेयर की जो जो फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए,
अभी नीचे जैसे ही आप लोग आ जाओगे इस जगह पे आपको इस रिपोजिटरी के बारे में बताया जाएगा, मतलब कि इस रिपोजिटरी के अंदर जो टूल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसके बारे में जो भी चीज़ें बताई जानी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, जैसे कि ये टूल को कैसे इंस्टॉल करना है, इस टूल का यूज़ क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई जाएंगी। ये डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर कि कौन बताना चाहता है कौन नहीं बताना चाहता। जैसे कि आपने कोई नई रिपोजिटरी बनाई, अभी आप लोग अपनी रिपोजिटरी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, आप सोच रहे हो इतना कौन टाइपिंग करे, इतना कौन तामझाम करे, तो आप नहीं बताओगे। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डिपेंड करता है हर एक रिपोजिटरी के ऊपर कि कौन क्या क्या चीज़ें बताता है, ज़रूरी नहीं हर कोई हर एक चीज़ बताए, ठीक है। हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ आप देख सकते हो इन्होंने बहुत कुछ बताया, यहाँ पे इन्होंने मेन्यू वगैरह भी बना रखे हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़, यहाँ पे आ जाते हैं ये जो रिलीज़ का सेक्शन है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए नो रिलीज़ पब्लिश्ड। इस जगह पे क्या होता है, जब भी रिपोजिटरी के अंदर कोई टूल कोई भी APK या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का कंप्लीट काम हो जाता है ना, तो उसकी एक रिलीज़ फाइल निकालते हैं लोग। रिलीज़ फाइल में क्या हो सकता है, सोर्स कोड हो सकता है, उसका कंपाइल वर्जन हो सकता है, या फिर और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो रिलीज़ सेक्शन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए लैंग्वेज का सेक्शन, अभी हम लोग पैकेज का सेक्शन छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग इसको यूज़ करोगे रिपोजिटरी को वैसे वैसे आप लोग और भी चीज़ें यहाँ पे सीखते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए लैंग्वेज का सेक्शन, लैंग्वेज का सेक्शन क्या बताता है हमें, लैंग्वेज का सेक्शन ये बताता है कि ये जो भी टूल की आपने रिपोजिटरी ओपन की है ना, जिस भी टूल की रिपोजिटरी है, इस टूल के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्रोग्रामिंग की गई है वो कौन कौन सी भाषा में की गई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 57% यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग इन्होंने की है वो शेल लैंग्वेज में, फिर पाइथन लैंग्वेज में इन्होंने की है, और PHP में इन्होंने की है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबका परसेंटेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यही है बेसिक टर्मेक्स की एक रिपोजिटरी का, कि मतलब रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसी रिपोजिटरी दिखती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप सो यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक और रिपोजिटरी ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को वैसे समझ में आ गया होगा और आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे, तो मैं देखिए बाकी रिपोजिटरी को ओपन नहीं करूँगा, मैं एक बार वापस से इस रिपोजिटरी को भी समझा दूंगा, उसके बाद आपका सीधे टेस्ट लूंगा, और टेस्ट में अगर आप लोग पास हो जाते हो तो वीडियो यहीं पे एंड है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही कमाल का टूल है, मतलब ये टूल टर्मेक्स के अंदर अभी मैं इंस्टॉल करवाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, ये टर्मेक्स को एक पूरे के पूरे कंप्यूटर में बदल देता है, मतलब GUI मोड वहां आ जाता है, आप इधर उधर स्क्रीन पे टच करके काम कर सकते हो, माउस वगैरह आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिपोजिटरी के बारे में देख रहे हैं और रिपोजिटरी के बारे में सीख रहे हैं। अभी हम लोग आगे इसको कैसे कॉपी करना है, कैसे अपने टर्मेक्स में इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बट जो चीज़ें मैंने अभी सिखाई मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम क्या है, रिपोजिटरी का नाम बताओ जल्दी से। बिल्कुल, टर्मेक्स डेस्कटॉप रिपोजिटरी का नाम है। और रिपोजिटरी के ओनर का क्या नाम है, मतलब उन्होंने जो भी अपना निकनेम रखा होगा, क्या रखा है उन्होंने। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आदिल 1090X लिखा है, बट हम लोग यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम और रिपोजिटरी के ओनर के नेम को एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी यहीं पे आपका टेस्ट ले लेता हूँ, दूसरी जगह पे टेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए यहीं पे बताइए, यहाँ पे ये बताइए कि ये जो रिपोजिटरी है ना, इसका जो लाइसेंस है कि कौन सा लाइसेंस इस रिपोजिटरी के लिए दिया गया है, वो लाइसेंस मैंने कहाँ बताया था, कहाँ पे दिखता है वो लाइसेंस, क्या किसी को वो लाइसेंस दिख पा रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल ठीक, जितने लोग कह रहे हैं कि भैया लाइसेंस तो यहाँ पे, ये GPL 3.0 लाइसेंस जैसा कुछ यहाँ लिखा है, यही तो है उसका लाइसेंस, बिल्कुल ठीक। वैसे देखिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना, अगर अभी आप लोगों को ये रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर सही से समझ में नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे अभी बहुत सारी रिपोजिटरीज के ऊपर काम करेंगे, और जब इतनी सारी रिपोजिटरीज के ऊपर काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको सारा इंटरफेस खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। अभी तो मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब आपको हैबिट पड़ने लगे कि हाँ भैया ये रिपोजिटरी होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे लाइसेंस हो गया, ये हो गए इसके फोक्स या फिर फोर्क जो भी होता है, ठीक है, 299 फोर्क्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेस हो गई हमारी, और ये रही वो जगह जहाँ पे सारी फाइल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी फाइल्स हैं, और यहाँ पे कोड का सेक्शन है, मतलब कि हम लोग इस जगह से कॉपी करेंगे रिपोजिटरी की लिंक,
ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये है ब्रांच का सेक्शन जो कि हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, और हम लोग थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है यहाँ पे इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने इंस्टॉल कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अभी हम लोग आगे ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम लोग सबसे आखिर में चले जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिलीज़ का कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है, मतलब कि हो सकता है कि ये कोई भी चीज़ रिलीज़ नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे रिलीज़ का सेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, वैसे मैंने यहाँ पे कुछ खास आपका टेस्ट नहीं लिया, मैं एक और रिपोजिटरी के अंदर जल्दी से चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं जल्दी से आपका टेस्ट ले लेता हूँ। सॉरी, मैंने बोला था यहीं पे लूँगा, बट वहाँ पे दे दीजिए, गुस्सा मत होना प्लीज़। चलो, ये है आप लोगों की टेस्ट रिपोजिटरी, जल्दी से मैं 5 सवाल पूछूंगा, 5ों के जवाब दो। जल्दी से बताओ, इस रिपोजिटरी के ओनर का क्या नाम है? बिल्कुल ठीक, जितने लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, राजकुमार करके यहाँ पे ओनर का नाम है, बिल्कुल ठीक। जल्दी से बताओ, इस रिपोजिटरी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आईपी ट्रेसर नाम से ये कोई एक रिपोजिटरी है, ये है इस रिपोजिटरी का नाम। अभी आप लोगों को मैंने रिलीज सेक्शन के बारे में बताया था कि भैया जहाँ पे कोई भी APK कोई भी फाइल अगर कोई मतलब रिपोजिटरी का ओनर रिलीज करता है तो वहाँ पे जाती है। जल्दी से बताओ, ये रिलीज सेक्शन कहाँ पे होता है, बताओ जल्दी। बिल्कुल ठीक, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि भैया रिलीज सेक्शन तो सबसे नीचे होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिलीज सेक्शन में कुछ है भी? अभी ये क्या है इसके बारे में मत जानो, रिलीज सेक्शन भाई सबसे नीचे होता है। जितने लोगों ने ये बताया, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग बहुत जल्दी सीख रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब की बात है, ठीक है। आइए मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलिए, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितने फोर्क किए गए हैं, कितने फोर्क या फिर फोर्क किए गए हैं, जल्दी से मुझे बता दो। बिल्कुल ठीक, जितने लोगों ने बोला है 380 फोर्क्स किए गए हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। कहाँ पे आप लोगों को देखना है? यहाँ पे। और ये जो फोर्क्स हैं, ये हैं क्या, बताओ जल्दी। बिल्कुल ठीक, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि ये जो फोर्क या फिर फोक होता है ना भैया, ये तो वही चीज़ है जैसे कि मैंने रिपोजिटरी को कॉपी करके अपने पास रख लिया, मतलब एक रिपोजिटरी का क्लोन बना के रख लिया, बहुत बढ़िया। अब चलिए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, इस रिपोजिटरी की जितनी भी फाइल्स हैं वो कहाँ पे हैं, प्लस इस रिपोजिटरी की जो लिंक है, मैंने बताई थी ना वो लिंक कहाँ पे दिखती है, वो जल्दी से बता दो किस जगह पे है। बिल्कुल ठीक, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भैया आपको बस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे पूरी रिपोजिटरी की फाइल्स दिख रही हैं, यहाँ पे ये हैं सारी रिपोजिटरी की फाइल्स। और भैया वो जो लिंक आप पूछ रहे थे, वो लिंक वाला सेक्शन तो यहाँ पे है। वाओ, आप लोग काफ़ी कमाल कर रहे हो, आप लोगों ने सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं। वैसे मैंने एक चीज़ छोड़ दी, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, रिपोजिटरी के अंदर ये सारी काफ़ी सारी फाइल्स तो हैं, बट इन फाइल्स के आगे आप लोग ये ईयर जैसा कुछ देख पा रहे हो, जैसे 3 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, ये क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें वो डेट हैं जिस डेट पे ये फाइल को मॉडिफाई या फिर अपलोड किया गया है। मतलब सोचो, ये रिपोजिटरी कितनी पुरानी है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये मॉड्यूल्स का फोल्डर इन्होंने 3 साल पहले अपलोड किया था इस रिपोजिटरी पे। ये रिपोजिटरी बहुत ज़्यादा पुरानी है। आखिरी जो फाइल इन्होंने मॉडिफाई या फिर अपलोड की है वो कौन सी है, रीडमी फाइल, जो कि 2 महीने पहले ही इन्होंने अपलोड या फिर मॉडिफाई की है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वैसे एक इसका भी छोटा सा टेस्ट तो बनता है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली रिपोजिटरी पे आ जा रहा हूँ। इस रिपोजिटरी पे मुझे बताइए, लाइसेंस फाइल जो है वो आखिरी बार कब मॉडिफाई या फिर कब अपलोड की गई थी, कितना टाइम हुआ है? बिल्कुल ठीक, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भैया लाइसेंस फाइल तो 5 साल पहले मॉडिफाई की गई थी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, आप लोग बहुत ही गजब का कर रहे हो, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। आई होप सो कि आप लोगों को भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अभी आप लोगों का होमवर्क है कि खुद से 3-4 गिटहब की रिपोजिटरी ढूंढो और उसका इंटरफेस खुद से चेक करो, खुद से स्क्रोल मारो ऐसे ऐसे, और हर एक जगह जो जो जगह है मैंने बताई है ना, उन जगहों पर जाओ, देखो कि कितने फोर्क किए गए हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, उन फाइल्स को आखिरी बार कब अपलोड या फिर मॉडिफाई किया गया है, उस रिपोजिटरी की लिंक क्या है, ठीक है, और रिपोजिटरी के ओनर का नाम क्या है, प्लस रिपोजिटरी का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को देखनी है। चलो, आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपना एक प्यार सा कमेंट कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ,
तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।